हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्री की रीजनिंग। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्री की रीजनिंग पर। और आज मैं आपके साथ में हूं सुनील फगेड़िया, और आप देख रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, कैलेंडर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर की हिस्ट्री जानी थी, कैलेंडर किस टाइम स्टार्ट हुआ था और सबसे पहला कैलेंडर कौन सा था, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। और आज की हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, आज कोड्स पढ़ेंगे कैलेंडर्स में, कैलेंडर में कोड्स किस काम आते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ये सारी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कोड, देखो दोस्तों, कोड की जब बात आती है तो बता देता हूं आपको कि कोड कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं अपने सेंचुरी कोड, एक होते हैं डे कोड और एक होते हैं मंथ कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आज मंथ कोड, माह कोड। ठीक है, महीनों के कोड, माह कोड या मंथ कोड। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है अपना जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड ये आ गया अपना दिसंबर। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, देखो ये कोड्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल ईयर की, तो सिंपल ईयर के कोड, और इधर आ जाएंगे अपने लीप ईयर के कोड। ठीक है, तो सिंपल ईयर में जनवरी का कोड क्या होगा दोस्तों? सिंपल ईयर में जनवरी का कोड भी सिंपल ही होगा। देखो, स्टार्ट कर देते हैं। मोबाइल नंबर भी तो याद रखते हो ना तुम लोग, मोबाइल नंबर की तरह एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, इजीली याद हो जाएंगे, 622, 503, 514, 624, ये हो गए अपने सिंपल ईयर के कोड्स। अब देखो, सिंपल ईयर के कोड्स और लीप ईयर के कोड्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है। देखो यहां पर, ये यहां पर 5 आ गया और 6 आ गया, सॉरी, तो यहां पर क्या कर देंगे, लीप ईयर का 5 हो जाएगा। उसके बाद में यहां 2 आ गया तो यहां क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। उसके बाद में सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख दो, 2 आ जाएगा, और उसके बाद में 5, उसके बाद में 0, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 1 आ गया, फिर आ गया अपना 4 आ गया, और उसके बाद आ गया 6, 2 एंड 4। ठीक है, ये अपने कोड्स आ गए। तो देखो, सिंपल ईयर में कोड्स क्या होते हैं, 622, 503, 514 और 624। ऐसे मोबाइल नंबर की तरह याद रख लो। अरे 12 ही तो नंबर्स हैं, 10 नंबर्स तो मोबाइल भी याद रखते हो, मोबाइल के नंबर्स भी याद रखते हो। तो देखो, सबसे पहले सिंपल ईयर के कोड्स, सिंपल ईयर के कोड्स क्या हो गए, 622, 503, 514, 624। नोट कर लीजिएगा साथ में ही, साथ में नोट करते रहिएगा ताकि बाद में अगर इसको रफ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो, अब सबसे पहले लीप ईयर के कोड्स, लीप ईयर्स के कोड क्या हो गए, 512503514624। ठीक है, तो इजीली आराम से समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, तो अब उसके बाद में अपने आते हैं डेज कोड। डेज कोड क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले अपना नया दिन क्या होता है, नया दिन मतलब अपन किसी दिन की शुरुआत कब से करते हैं, शुरुआत करते हैं मंडे से करते हैं ना, तो मंडे से करते हैं तो कर दो शुरुआत 1, उसके बाद में ट्यूसडे, उसके बाद में वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और ये अपना लास्ट आ गया संडे। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 0,
ठीक है। अब ये 7 या 0 और ये कोड्स का ये क्या चक्कर है ये बता देता हूँ आपको। जब अपन अगर किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, और कई कई महान आत्माएं ऐसी भी हैं जिनके रिमाइंडर 7 भी आ जाता है। 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 भी आ जाता है, या 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वो 1 टाइम डिवाइड करके छोड़ देंगे और उनके क्या आ जाएगा रिमाइंडर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में रिमाइंडर क्या आएगा 7 या 0 आएगा। तो अब देखो बात आती है अपनी डेज कोड हो गए, अब डेज कोड के बाद में अपना आता है एक सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड जिसको अपन बोलेंगे, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड दोस्तों क्या होते हैं, जैसे 400वीं सेंचुरी, 500वीं, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, ये सारी की सारी क्या है सेंचुरीज हैं। तो सबसे पहले देखो अपने कोड स्टार्ट होते हैं 17वीं सेंचुरी से, कोड स्टार्ट कर दो, 17वीं आ गई, 18वीं आ गई और 19वीं सेंचुरी आ गई, उसके बाद में 20 सेंचुरी आ गई, ठीक है, या उसके बाद आगे भी अपन चल सकते हैं। तो देखो इसके कोड्स क्या हो जाएंगे, 5, 3, 1 और 0, ठीक है, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, ये सारे के सारे कोड्स क्या होंगे, कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअसली कैसे चलेंगे, इससे पहले क्या आ जाएगा 16वीं सेंचुरी के लिए सेंचुरी कोड 0, उसके पहले क्या आ जाएगा, उसके पहले आ जाएगा अपना 1, उसके पहले क्या आ जाएगा 3, उसके पहले 5 आ जाएगा, उसके पहले 0, 1, 3, 5, इस तरह मतलब कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। या उसके बाद में 21वीं के लिए क्या आ जाएगा, 21वीं के लिए वापस 5, उसके बाद में 22 के लिए 3, उसके बाद में 23 के लिए 1, उसके बाद में 24 के लिए 0। कैसे आया देखो, क्योंकि अपन लीफ सेंचुरी, सबसे पहले आप लीफ सेंचुरी पकड़ोगे, कोई भी लीफ सेंचुरी देख लो, लीफ सेंचुरी कौन सी है, 24वीं सेंचुरी लीफ सेंचुरी है। क्यों है, क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, इसलिए ये क्या है, एक लीफ सेंचुरी है। और लीफ सेंचुरी का कोड होता है दोस्तों 0, और 0 से आपको देखो इतना तो थोड़ा बहुत कष्ट करना ही पड़ेगा, ओनली इतने कोड तो याद करने ही पड़ेंगे, 5310 या 5310 बोल दो, ठीक है। तो इतना कोड तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो ये कोड याद कर लो, उसके बाद में स्टार्ट कर दो, ठीक है। या कोई भी सेंचुरी आ जाए, 400वीं सेंचुरी आ गई तो 400वीं सेंचुरी से क्या कर दोगे आप लोग, 400वीं से स्टार्ट कर दो। अगर आपको 600वीं सेंचुरी का सेंचुरी कोड पूछ लिया तो 400वीं सेंचुरी क्या आ गई, लीफ सेंचुरी आ गई, लीफ सेंचुरी का सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 0, उसके बाद में 500 के लिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसके बाद में 600वीं सेंचुरी के लिए सेंचुरी का कोड क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 700 के लिए 1 आ जाएगा, उसके बाद में 800 के लिए क्या आ जाएगा वापस 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो अपने हो गए कोड्स। उसके बाद में एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि मंथ के जो कोड होते हैं वो किस तरह होते हैं। मंथ के कोड दोस्तों जनवरी से लेके दिसंबर तक 622, 503, 514 और 624। एज ए मोबाइल नंबर अगर आप अपने माइंड में रखना चाहोगे तो इजीली याद हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके कि याद नहीं होंगे, बहुत आसान है, बस आपको एक मिनट का टाइम लगेगा, इसको 3 बार रिवाइज कर लो, इजीली याद हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन आपका होगा तो आराम से याद कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी। तो अब देखो बात आती है इन कोड्स पे ही, इन कोड्स पे क्या होता है, ये कोड्स बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के देखो। तो एक बार मैं इनको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, दोस्तों साथ साथ में नोट करते रहिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखो बात आती है अपनी ये कोड्स की, तो जिन मंथ्स के कोड अगर सेम हैं तो उनके कैलेंडर भी क्या होंगे, सेम होंगे। कैलेंडर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। देखो आज कैलेंडर का आपको ऐसा टॉपिक करवाऊँगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। देखो तो सबसे पहले कोड्स जिनके सेम हैं उनके कैलेंडर भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अप्रैल है, अप्रैल के, अप्रैल का कोड क्या है 5 है, और जुलाई का कोड क्या है 5, इसका मतलब
जुलाई और अप्रैल का कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। जिन मंथ्स के कोड सेम है उनके कैलेंडर भी क्या होंगे, सेम। आप अपने घर पे जो कैलेंडर है उसको उठा के एक बार देख लेना जरूर कि सिंपल ईयर का, सिंपल ईयर की जो अप्रैल है और उसके बाद में सिंपल ईयर की जुलाई है उसका कोड क्या है, सेम है। तो कैलेंडर भी क्या होगा, सेम। सिंपल ईयर की फरवरी है और उसके बाद में मार्च है सिंपल ईयर का, उन दोनों के कोड्स क्या हैं, सेम है। तो कैलेंडर भी क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद में देखो अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर का कोड 6 है और जनवरी का कोड क्या है, 6 है। तो कोड सेम है तो कैलेंडर भी क्या होंगे, सेम। लेकिन एक कंडीशन ध्यान में रखना, ऐसे नहीं है कि तुम कहीं 12 जनवरी का देख के और उसके बाद में 15 अक्टूबर का देख रहे हो, ऐसे सेम नहीं होगा। बस डेट भी तो उसके साथ में सेम होनी चाहिए ना। अरे जनवरी का और जनवरी की डेट और अक्टूबर की डेट, दोनों की डेट क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए। डेट अगर सेम है और कोड अगर सेम है तो कैलेंडर भी क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ लीप ईयर की बात आती है तो लीप ईयर में देखो 5 क्या हो गया, 5 जनवरी, सॉरी जनवरी का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पर अपने पास में क्या है, जुलाई का कोड भी क्या है, 5 है। जुलाई का कोड भी क्या है, 5 है, ठीक है। तो जुलाई और जनवरी की एक डेट ले लो, चाहे 12 जनवरी ले लो और यहाँ 12 जुलाई ले लो, दोनों के क्या है, कोड सेम है। जनवरी और जुलाई की कोड सेम है तो इनकी ये जो डेट्स हैं इनके कैलेंडर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब अपन चलते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं अपन, मंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे सबसे पहले हम, कि 1 जनवरी को संडे था तो 29 जनवरी को कौन सा डे होगा। तो शुरुआत से ही आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस, आगे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले 1 जनवरी 2015 को संडे था, ईयर चाहे सिंपल ले लो चाहे आप लीप ईयर ले लो, बात एक ही है। और उसके बाद में अपने को पूछ लिया 26 जनवरी 2015। दोस्तों अभी अपने पास में क्या है, ईयर सेम है, तो अपन हेडिंग भी डाल सकते हैं कि समान ईयर है, ईयर क्या है, सेम है, समान वर्ष पर आधारित। प्रश्न ओके, सेम ईयर अपने पास में क्या है, सेम है। देखो जनवरी और यहाँ पर मंथ भी क्या है, सेम है, ईयर सेम है और मंथ सेम है। तो सबसे पहले तुम्हारे एग्जाम में सबसे पहली टाइप तो यही आएगी, सबसे नॉर्मल टाइप जो है वो यही है। उसके बाद में मैं आपको हर एक क्वेश्चन पे लेके चलूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ में। देखो अब सबसे पहले बात आती है 1 जनवरी और यहाँ आ गया 26 जनवरी। तो दोस्तों यहाँ कोड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोड का कोई चक्कर ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 1 जनवरी आ गया, वहाँ 26 जनवरी आ गया, तो 26 में से माइनस 1 कर दो दोस्तों, क्या आ गया, 25 आ गया। 25 डेज, कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी को संडे था तो 25, इसके आफ्टर 25 डेज कौन सा डे होगा, ठीक है। इसके 25 दिन बाद में, 1 जनवरी के 25 दिन बाद मतलब 26 तारीख को कौन सा वार होगा, तो क्या करेंगे। मैंने कल पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको कैसा भी दे दे, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, तो अपन उसको सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके उसको डायरेक्टली अपन सॉर्ट कर लेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको अपन क्या कर देंगे, आगे जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे, पीछे आ रहे हैं तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 25 डिवाइड बाय 7, दोस्तों रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास में, 4 आ गया, रिमाइंडर अपने पास में 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, संडे में क्या करोगे तुम, प्लस 4 कर दो, डे क्या आ जाएगा, थर्सडे, डे क्या आ जाएगा, थर्सडे आ गया, ठीक है ओके। अब हिंदी और इंग्लिश वाला देख लेना भाई तुम लोग की हिंदी, कई बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम वालों को संडे मंडे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो उसके बाद में, क्योंकि मेरा मीडियम है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है तो मिक्सअप ही चलता रहता है, वैसे माइंड में ही ऐसा ही फीड हो रखा है। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 मार्च 2017
मंडे ले लो, कुछ भी ले लो, डे कुछ भी ले लो आप, या ईयर कुछ भी ले लो, लीप ईयर की भी बात करेंगे अपन। उसके बाद में अपने को दे दिया 20 मार्च 2017। दोस्तों दूसरा मेथड भी है अपने पास में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हर 7 दिन बाद में दिन क्या होता है, रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद में दिन रिपीट होता है। तो ऐसे देख लो, 2 के बाद में 7 प्लस कर दो डायरेक्टली बता देता हूँ एक बार तो मैं पहले आपको कि 20 माइनस 2 तो अपने पास में क्या आ गया, 18 डेज। इसका मतलब 2 मार्च के आफ्टर 18 डेज कौन सा डे होगा, तो 2 मार्च के आफ्टर 18 डेज बाद में कौन सा डे होगा, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 7। तो इसको 7 से डिवाइड करो। अपने पास में रिमाइंडर क्या आया दोस्तों, रिमाइंडर आ गया, कितना आया, 4 आया। तो क्या कर दो, इस 4 डे को क्या कर दो, इसमें प्लस कर दो, मंडे में प्लस कर दो, क्या आ गया, मंडे में 4 डे प्लस करते ही क्या आ गया अपने पास में, फ्राइडे। ठीक है, मंडे में 4 डे प्लस कर दिया और 4 डे प्लस कर दिया, क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। अब आपको एक थोड़ा सा जो लॉन्ग मेथड है वो भी बता देता हूँ। वो लॉन्ग मेथड क्या है, देखो लॉन्ग मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। तो 2 के बाद में अपने को क्या दे दिया, 2 मार्च का दे दिया और 20 मार्च का पूछा है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 7 7 7 7 प्लस कर दो, या अगर आप में हिम्मत है तो 14 भी प्लस कर दो। तो देखो 2 के बाद में 7 प्लस किया, क्या आ गया, 9 आ गया। और उसके बाद में 9 को क्या होगा, मंडे होगा। उसके बाद में फिर 7 प्लस किया, उसके बाद में फिर 7 प्लस किया तो अपने पास में 16 आ गया। 16 को भी क्या होगा, मंडे होगा। और 16 को अगर मंडे आ गया तो 20 का तुम अपने आप ही निकाल सकते हो। 20 का अपने आप कैसे निकालोगे, 16 प्लस 4 कर दो, मंडे प्लस 4, और मंडे प्लस 4 करते ही क्या आ जाएगा, डे अपने पास में फ्राइडे आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ साथ में कैलेंडर के नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा आप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 अगस्त, अब ये आ गया अपना लीप ईयर दोस्तों, लीप ईयर पे आ गए अपन। 3 अगस्त 2016 को सैटरडे था, तो अब पूछ लेगा 30 अगस्त 2016 का, पूछ लिया 30 अगस्त 2016 को कौन सा डे होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, रामबाण दवाई यहाँ मिलती है। देखो अब देखो, 3 से 30 में चले गए, तो 3 से 30 में जाएंगे तो क्या करेंगे, 30 माइनस 3, और 30 माइनस 3 क्या आ गया, 27। और 3 के बाद में आफ्टर 27 डेज कौन सा डे होगा, तो क्या करेंगे, 27 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास में, 6 आ गया। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया अपने पास में 6। वो 6 डे क्या कर दो, इसमें प्लस कर दो, तो 6 डे प्लस करते इस दिन क्या आ जाएगा, बोलो, सैटरडे प्लस 6। अब ये भी बात यहाँ फंसती है थोड़ी सी, थोड़ा सा टाइम लगने वाली बात है। तो अगर देखो, अब एक चीज़ और ध्यान में रखना कि अगर किसी भी वार में अपन 6 डे प्लस कर रहे हैं तो 6 का मित्र अंक क्या होता है, 6 का मित्र अंक होता है 1। और 5 डे प्लस कर रहे हैं तो 5 का मित्र अंक होगा 2। और अगर 4 डे प्लस कर रहे हैं तो 4 का मित्र अंक होगा 3। तो इनका मित्र अंक का मतलब क्या होता है कि 6 प्लस कर रहे हैं या 1 माइनस कर दो, बात एक ही है। 5 प्लस कर रहे हैं या 2 माइनस कर दो, बात एक ही है, वही आंसर आएगा। 4 प्लस करो चाहे 3 माइनस कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ प्लस अपन क्या करेंगे, 6 करेंगे। प्लस 6 करने की बजाय इजी क्या होगा अपना, इजी ये होगा कि इसमें से -1 कर दो। -1 करते ही क्या आ गया अपने पास में आंसर, फ्राइडे आ गया। ठीक है, फ्राइडे आ गया आंसर। अब उसके बाद में देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी को एक बार अपन देख लेते हैं कि 3 से 30 में जाते हैं एक बार 7 7 डेज प्लस करके। तो 3 के बाद में नेक्स्ट कब आएगा, 10 को आएगा सैटरडे। उसके बाद में नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा, 17 को आ गया। और उसके बाद में नेक्स्ट सैटरडे कब आ गया, 24 को आ गया। और उसके बाद में 24 के बाद में नेक्स्ट सैटरडे कब आ गया, 31 को आ गया। ठीक है, तो 31 को सैटरडे है, तो इतना तो तुम भी निकाल सकते हो। सैटरडे से 31 से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो बात वही है। ठीक है,
तो नोट करते रहिएगा साथ में, समझ में आए। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि समझ में नहीं आया, या कोई भी अगर क्यूरीज हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 ले लेते हैं, हम पीछे आते हैं, इतनी देर आगे तो जा ही रहे थे, पीछे आते हैं। 25 अक्टूबर 2010 को वेनसडे था, तो 2 अक्टूबर 2010 को कौन सा डे होगा? बहुत सिंपल है, ये भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल कैसे है, देखो 25 और अक्टूबर और यहाँ आ गया 2 अक्टूबर, ठीक है। तो 25 अक्टूबर को क्या दे दिया, वेनसडे। अब 25 से यहाँ जो बड़ी डेट है उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे उसमें से छोटी को, सॉरी 25 माइनस 2, तो यहाँ क्या आ गया अपने पास में 23 आ गया, ठीक है 23 आ गया। तो अब देखो दोस्तों पीछे आ रहे हैं, तो पीछे आएंगे तो क्या करेंगे अपन, जो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 23 डिवाइड बाई 7 अपने पास में रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 डे क्या कर दो, माइनस कर दो, 2 डे माइनस करोगे तो क्या आएगा, वेनसडे आ जाएगा, सॉरी मंडे आ जाएगा। 2 डे माइनस करते क्या आ गया, मंडे आ गया, या आप पीछे भी आ सकते हो। अब वैसे देख लो दूसरे मेथड से, 25 माइनस 7 कर दिया क्या आ गया, 18 को क्या आ गया, वेनसडे आ गया। उसके बाद में इसमें से फिर माइनस 7 कर दिया, इसमें से फिर माइनस 7 करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 11 आएगा, 11 को वेनसडे आ गया। फिर माइनस 7 करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 11 माइनस 7 कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 को क्या आ गया, वेनसडे आ गया, 4 को वेनसडे आ गया। तो 2 का तुम अपने आप ही निकाल सकते हो क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, ठीक है। तो आज तो अपनी ये टाइप है, उसके बाद में कल अपन नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप में किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो भी बता देता हूँ एक बार। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चंस पढ़ेंगे एक मंथ से दूसरे मंथ में जाने वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 20 सितंबर 2009 को दे दिया वेनसडे, और अब पूछ लेगा 21 दिसंबर 2009 का पूछ लिया, और ये आपको निकालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ ही, और उससे पहले आप इस क्वेश्चंस को एक बार कोशिश ज़रूर करना कि अगर समझ में आए तो सोल्व कर लेना, अदरवाइज़ मैं कल इन कोड्स के आधार पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाने जाऊंगा। बस मात्र 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अगर कोई भी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।